वीके शशिकला का पति नटराजन मरथप्पा 74 साल की उम्र में चेन्नई में। एम नटराजन को पिछले हफ्ते ग्लेन ईगल्स ग्लोबल हेल्थ सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वह गंभीर स्थिति में थे। जेल में एआईएडीएमके के प्रमुख वीके शशिकला के पति एम नटराजन का कई अंग विफलता के बाद चेन्नई के एक अस्पताल में निधन हो गया। 74 वर्षीय को छाती के संक्रमण के लिए पिछले हफ्ते ग्लेन ईगल्स ग्लोबल हेल्थ सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनकी हालत महत्वपूर्ण थी। ग्लेन ईगल्स ग्लोबल हेल्थ सिटी के मुख्य परिचालन अधिकारी श्री मुगा प्रियन द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, यह गंभीर दुख और दुख के साथ है कि आज हम 1:35 बजे नटराजन मारुथप्पा के निधन की घोषणा करते हैं। वीके शशिकला, जो वर्तमान में बेंगलुरु की केंद्रीय जेल में दर्ज हैं, नए श्री नटराजन के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए 15 दिवसीय पैरोल के लिए आवेदन किया है। अस्पताल ने पिछले हफ्ते एक बयान में कहा था, नटराजन मारुथप्पा को 16 मार्च को ग्लेन ईगल्स ग्लोबल अस्पताल की गहन देखभाल इकाई आईसीयू में भर्ती कराया गया था। श्री नटराजन वेंटिलेटर समर्थन पर थे और उनकी हालत महत्वपूर्ण है। अस्पताल के मुख्य परिचालन अधिकारी श्री मुगप्रियन ने पिछले हफ्ते पहले कहा था, पिछले साल अक्टूबर में श्री नटराजन ने एक जीवन बचत वाले 2 गुने अंग प्रत्यारोपण किया और पूरी तरह ठीक होने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। वीके शशिकला, जो वर्तमान में एक असंतुलित संपत्ति मामले में 4 साल की जेल की सजा काट रहे हैं, ने अपने पति से मिलने के लिए 15 दिन तक पैरोल का अनुरोध किया था। श्री नटराजन की एक ऐसी स्थिति थी जहां उनके जिगर और किडनी को असफल रहने और फेफड़ों की भीड़ होती थी, जो 2 अंग प्रत्यारोपण से पहले था। पिछले साल अक्टूबर में उन्होंने ट्रैकियोस्टोमी करवाया था और छुट्टी से पहले उन्हें वेंटिलेटर समर्थन किया गया था। वीके शशिकला का विवाह 33 साल पहले के पूर्व सरकारी जनसंपर्क अधिकारी नटराजन मरुथप्पा से हुआ था। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता को पूर्व शशिकला को पेश करने वाले वे सबसे पहले थे। श्री नटराजन शशिकला के रिश्तेदारों में शामिल थे जिन्हें जयललिता ने चेन्नई में अपने पियोस गार्डन घर से निष्कासित कर दिया था। उसने अपने हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। शशिकला के भतीजे टीटीवी धिक्कारन उन लोगों में शामिल थे जो फेंक दिए गए थे। जयललिता ने इस शर्त पर वीके शशिकला को अपने पक्ष में वापस जाने दिया कि शशिकला अपने पति सहित अपने परिवार के साथ सभी संबंधों को खत्म करेगी। शशिकला ने पिछले वर्ष अपने पति का नाम गिरा दिया और एआईएडीएमके के महासचिव नियुक्त किए जाने के तुरंत बाद उपसर्ग वीके को अपना पहला नाम वापस करने के लिए जोड़ा।